नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं शानदार जानदार हैं। मेरे साथियों, हमारे हरियाणा पीसीएस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, कॉलेज कैडर, जो हमारे जिसमें सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस है, उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा सिलेबस से डिस्कशन करते हैं। और ये डिस्कशन आप लोगों के लिए बढ़िया शानदार जानदार तरीके से इस सिलेबस में हम थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ में ही हम आप लोगों को एक अलग से सेशन भी रखेंगे कि इसमें हमारी पॉलिटिकल साइंस से कितनी पोस्ट आई हुई है, हमें कौन कौन से क्या एक एग्जाम का पैटर्न रहता है, उन पे हम अलग आप लोगों तक एक वीडियो है वो शेयर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से संबंधित। सिलेबस फॉर द रिक्वायरमेंट टेस्ट फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन सब्जेक्ट ऑफ ए पोलिटिकल साइंस। ये हमारे पोलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड दिया गया है कि पोलिटिकल साइंस है और पोलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट से संबंधित दिया गया है। अब सब्जेक्ट के अंतर्गत अगर हम देखें कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में किस प्रकार से क्या क्या चीजें हैं, वह डिटेल से दी गई है, उनको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हुए साथ साथ में हम चलेंगे। पॉलिटिकल साइंस अपना सब्जेक्ट है, इसमें एक तो होता है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आप अक्सर अभी प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत जो है हम बात करें तो आप एग्जाम दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। एक और है हमारा पीजीटी, ये दो हैं। इसमें सिलेबस को हम थोड़ा सा आपको ये बताते रहेंगे कि इस सिलेबस के अंदर कौन कौन से जो पोर्शन है वो सेम दिए गए हैं, इनके इक्वल जो पोर्शन दिए गए हैं उन पे हम साथ में है डिटेल से चर्चा करेंगे। या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में है कुछ अलग से क्या पढ़ना है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये जो पोर्शन है ये आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये हमारी हरियाणा पीसीएस है, उसके अंतर्गत जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट वाला जो पेपर है उस पे ये है, अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी सी हम डिटेल से हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ भी मेरी आवाज वगैरह आप लोगों तक क्लियर आ ही रही है? आगे हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट, हमारी राजनीतिक जो है थ्योरी के अनुसार या उनकी जो क्या एक है, इसके प्रति क्या है एक थॉट, क्या है इनके विचार, क्या है राजनीति के अंतर्गत देखा जाता है राजनीतिक, और इस राजनीति के अंतर्गत एक विचार के रूप में इनके क्या आइडियाज हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कि हमारी एसेंट इंडियन पॉलिटिकल है, उसकी थॉट देखेंगे, जिसमें हमारी कौटिल्य वह शांतिपूर्व है वह दिया गया है कि कौटिल्य की एक राजनीति के अगर हम देखे जाता है, राजनीतिक अगर विचारधारा के अनुसार ये राजनीतिक जो थॉट है उनके अनुसार एक देखा जाता है कि इनकी विचारधारा है वो कैसी है। ये टॉपिक आपके कौटिल्य से संबंधित है, ये आपका हमारे पीजीटी के अंतर्गत कौटिल्य भी हम पढ़ना पड़ता है और इसमें हमारे असिस्टेंट के अंतर्गत भी दिया गया है, ये आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए जरूरी है। साथ में है कि ग्रीक पॉलिटिकल जो थॉट है, जिसमें हमारा प्लेटो हो गया और अरस्तु हो गया, इन दोनों के बारे में ये हमारे जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पाश्चात्य राजनीतिक जो विचारक हैं, पाश्चात्य पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, राजनीतिक विचारक, ये हमारे पाश्चात्य राजनीतिक विचार हैं, इनको हम पढ़ेंगे कि हमारी जो प्लेटो है, प्लेटो के बारे में आपको एक डेमो क्लास भी आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप डेमो क्लास भी देखिए। हमारे प्लेटो से संबंधित एक यूनान है और यूनान के दो शहर हैं, एक का नाम स्पार्टा और एक का नाम है हमारा एथेंस, और एथेंस में प्लेटो ने क्या है जन्म लिया था, और उसमें एक कहानी के माध्यम से मैं डिटेल से बताया था कि हमारे एक प्लेटो और हमारे सुकरात के क्या आपस में रिलेशन थे, गुरु और शिष्य का रिलेशन था। प्लेटो है वो सुकरात से काफी प्रभावित थे, उनके जो गुण थे या उनके जो विचार थे उनको अक्सर फॉलो किया करते थे प्लूटो, और सुकरात भी क्या है वह एथेंस और हमारे जो स्पार्टा है वहां पे निरंकुश शासन था, उस निरंकुश शासन से संबंधित अपने कई विचार, कई आलोचक भावना के रूप में उन्होंने विचार प्रकट किए थे, और वह सुकरात के लिए क्या है महंगा पड़ गया था, सुकरात के लिए वह महंगा पड़ गया था, तो सुकरात की उसको सजा मिली थी मौत की सजा। और ये सब मौत की जो सजा का जो पर्व चल रहा था या मौत की सजा का जो कारनामा चल रहा था या सुकरात को एक जहर पीते हुए जो समय देख रहा था, उनका नाम था हमारे प्लूटो। तो प्लूटो से संबंधित एक लाइव क्लास आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे दी हुई है, आप प्लीज वहां पे जाके है उस प्लूटो की क्लास को आप आराम से देख लीजिए।
और हम अरस्तु है, ये अरस्तु और प्लेटो ये दोनों ही हमारी पीजीटी और हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के अंतर्गत ही दिया गया है। इसमें कोई ज्यादा चेंजेज है वह हुए नहीं है, इसमें क्या है कोई ज्यादा चेंजेज है वह हुए नहीं है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए जरूरी है। हम अगर अक्सर इसमें अगर हम बात करते हुए चलेंगे तो हमारे लिए यह है प्लस पॉइंट रहेगा। अब हम देखते हैं कि यूरोपियन जो थॉट हैं, अगर हम बात करें कि हमारी यूरोपियन जो थॉट है जिसमें हमारी मेकियावेली है, हॉब्स है, लॉक्स है, या हमारी जो रूसो है वो देखा जाता है, तो ये सब है सेम टू सेम हमारे रूसो वगैरह है, ये सब हमारे पीजीटी और हमारे क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत है, वो सेम पोर्शन दिया गया है, सेम टॉपिक दिया गया है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है किसी भी प्रकार से, क्या है कोई चेंजेज नहीं है किसी भी प्रकार से, ये भी हमें साथ साथ देखते हुए चलना है। यूरोपीय थॉट सेकंड है, इसमें अगर देखा जाता है तो बेंथम, जेस मिल, हेंगल, मार्क्स और ग्रीन, ये सब है हमें देखने के लिए जरूरी पड़ता है कि हमारी यूरोपियन थॉट है और यूरोपियन थॉट के अंतर्गत बेथम के क्या विचार हैं, बेथम की क्या विचारधारा है, हमारी इंडियन जो हमारी जो थॉट है पॉलिटिकल साइंस की में उसमें बेथम के क्या विचार है, जेस मिल है, जेस मिल के क्या विचार हैं, मार्क्स के क्या विचार हैं, ग्रीन के क्या विचार हैं, ये सब इनके विचार हैं, इनके डिटेल से पढ़ेंगे। किसी का विचार जानने से पहले उनका जीवन परिचय जानना क्या होता है जरूरी होता है, और जब तक हम किसी का जीवन परिचय नहीं जानते हैं तब तक हम उसके बारे में डिटेल से नहीं जान पाते हैं। मैंने जैसे आपको प्लेटो पढ़ाया था, प्लेटो पढ़ाने से पहले मैंने स्टार्टिंग बेस स्टार्ट की थी कि उसमें एक हमें स्टार्टिंग जो इसका जीवन परिचय एक इसकी जो बायोग्राफी है या इनका इंट्रोडक्शन है वो हमने एक स्टार्टिंग जो बेस है वो हमने क्या है पढ़ा था। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको देखने की आवश्यकता है कि हमें किस प्रकार से देखने के लिए एक रूटीन के अकॉर्डिंग है वह आवश्यकता होती है। बाद में अगर हम देखा जाता है तो हाँ हमारी जो जो है कंटेम्परी जो पॉलिटिकल जो थॉट है उसके बारे में, जिसमें हमारा लेनिन हो गया, मेयो हो गया और हमारे ग्रेम्सी हो गया, ये जो सब है हमारी जो थॉट के अनुसार काम करेंगे कि इनकी थॉट के विचार को हम किस प्रकार से फॉलो करते हैं, इसमें कौन कौन से जो विचारधाराएं हैं वो दी गई है, कौन कौन से जो डेफिनेशन है वो दी गई है, इसमें हम पॉलिटिकल से रिलेटेड थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत ही दिया हुआ है, बाकी में ये हमारी पीजीटी के अंतर्गत ये टॉपिक हमारे नहीं है। आगे अगर हमारे देखा जाता है तो इसका पेज आता है, ये फर्स्ट पेज आता है, ये सेकंड पेज है, और सेकंड पेज है हमारी जो कंटेम्पररी है जिसमें पॉलिटिकल साइंस में देखा जाता है तो रोल्स या नोजिक या हमारे जो कम्युनिटेरियंस है या कम्युनिटेरियंस है इनके बारे में हमें थोड़ा सा देखने के लिए जरूरी है। ये आपको जो वर्ड है ना ये हार्ड लग रहे होंगे लेकिन इनको अगर हम अजय आराम से पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये एक इजी वे के रूप में काम करेंगे। इनकी ज्यादा जो विचारधारा है वो एक कैसी विचारधारा है हमारी जो पॉलिटिकल जो थॉट के अकॉर्डिंग, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डीपली जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए कितना बेनिफिट रहता है। प्यारे साथियों, अक्सर अगर हम जानते हैं या अक्सर हम इसकी विचारधारा के अनुसार अगर हम फॉलो करें तो मैं अक्सर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक सिलेबस होता है वो हमारे लिए क्या रहता है, वह हमारे लिए एक गाइडलाइन रहता है। सबसे बड़ा अगर कोई गाइडलाइन है तो वो हमारा क्या है सिलेबस है। अक्सर अगर हमने देखा है कि सिलेबस ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमारे लिए उसी प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से एक परिवार को चलाने के लिए माता और पिता की जरूरत होती है। एक परिवार को पालने के लिए माता और पिता की आवश्यकता होता है। पिता क्या करते हैं, पिता घर से हमारे हमारे लिए जो राशन वगैरह है या पेमेंट वगैरह है वो काम करेंगे, सैलरी मिलेगी, उसे घर का राशन मिलेगा। मम्मी क्या करती है, मम्मी हमारे जो घर है घर की देखभाल करती है, घर के चारों तरफ ध्यान रखती है। वैसे ही हमारी एक किसी भी तैयारी में एक स्ट्रेटजी के रूप में जो काम करता है वो हमारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्लस हमारे जो सिलेबस होते हैं वो ज्यादा डिपेंड करते हैं कि वो हमारे लिए कितने बेनिफिट रहते हैं और उनके अनुसार हमें काम करने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा जो सिलेबस है ये एक फादर है, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर देखा जाता है तो वो हमारे लिए क्या है मदर का काम करेंगे। तो हमारे माता और पिता हमारे परिवार में आवश्यक होते हैं, वैसे ही प्यारे विद्यार्थियों प्यारे बच्चों ये हमारे लिए पॉलिटिकल साइंस में अगर हम सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, बल्कि मैं तो पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ा रहा हूं तो पॉलिटिकल साइंस से है वो ज्यादा रिलेटेड है, वो हम इसको क्या कर सकते हैं इंटरलिंक है, वो भी हम क्या कर सकते हैं क्या है आपको समझा सकते हैं डिटेल से।
अलग अलग विचारधारा के माध्यम से अगर हम देखा जाता है तो वो अक्सर बहुत सारी ऐसी विचारधारा जो रहती है जो जिनको हम अक्सर आप लोगों तक डिलीवर भी करते हैं, हम अच्छे से आपको बताते भी हैं, लेकिन फिर भी है वह कई बार ऐसा रहता है कि जैसे एक बार हमारे बशीर बद्र की एक आप लोगों के लिए स्टेटमेंट है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटू भरा बिस्तर नहीं देखा है। बशीर बद्र साहब कहते हैं कि ये फूल है वो मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटू भरा बिस्तर है वो नहीं देखा है। तो आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है, वो आपको कोई शो नहीं करेगा, लेकिन आप जिस दिन सक्सेस हो जाओगे वो आपके लिए बहुत बड़ी है, वो मैटर करती है आपकी फैमिली के लिए, आपकी आपके समाज के लिए, और हाँ देश के लिए तो है ही है, देश के लिए भी है, वह काम करते हैं, ये भी थोड़ा सा आपके जरूरी है, आपको थोड़ा सा बेसिक इन चीजों पे भी आपको थोड़ा सा याद रखना बार बार जरूरी रहता है। साथ में हम देखते हैं कि प्यारे साथियों हमारे मॉडर्न इंडिया है, और इस मॉडर्न इंडियन जो थॉट है, इनके विचारक जैसे गांधी है, एमएन रॉय है, अरविंदो घोष है, या जयप्रकाश है या अंबेडकर है या सावरकर है, ये सब है। इनमें जैसे सावरकर है, सावरकर पीजीटी की एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें नहीं दिया हुआ है, जो प्रकाश है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन एमएन रॉय या अरविंदो अंबेडकर ये सब है उसमें। हमारी मॉडर्न इंडिया की जो थॉट है, हमारी जो भारत की जो राजनीति से संबंधित जो विचारधारा है कि गांधी की क्या थॉट रही थी हमारी मॉडर्न इंडिया के बारे में, या हमारे एमएन रॉय, वही एमएन रॉय है मानवेंद्र नाथ रॉय, जिनका पूरा नाम आता है मानवेंद्र नाथ रॉय, मैं हिंदी में लिख देता हूं मानवेंद्र नाथ और रॉय, ये वही मानवेंद्र नाथ रॉय है जिन्होंने ऑफिशियली हमारी संविधान सभा की ऑफिशियली व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है तो व्यक्तिगत से रूप से ये पहली बार हमारी संविधान सभा की मांग करने वाले, जो डिमांड करने वाले एमएन रॉय साहब हैं। क्या है? एमएन रॉय साहब हैं, वही है। आगे जो दिया गया है हमारा कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज दिया गया है, जिसमें हमारे मेडिवल पॉलिटिकल जो थॉट है, जिसमें अगर हम देखा जाता है तो एक चर्च स्टेटमेंट जो स्टेट रिलेशनशिप एंड थ्योरी ऑफ टू है सॉर्ट्स है, वो है दिया गया है कि हमारी जो रिलेशनशिप है, स्टेट रिलेशनशिप है, उसको हम किस प्रकार से देखते हैं, हमारी मेडिवल जो पॉलिटिकल थॉट है उनके अनुसार, मेडिवल जो पॉलिटिकल थॉट है उनका हम उस अप्रोच को किस प्रकार से देखते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और ये पोर्शन सिर्फ और सिर्फ हमारी किस में दिया गया है, ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में दिया गया है। क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर में दिया गया है, ये पीजीटी में हमारी शो नहीं करता है। आगे दिया गया है कि हमारे कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज है वह कौन कौन से हैं, जो बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये पोस्ट है वो हमारी सबसे हमारी पीजीटी के अंतर्गत भी तो दिया गया है, और हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसमें भी क्या है दिया हुआ है, बाद में है डिक्लाइंड एंड रिसोर्गेंस ऑफ है पॉलिटिकल थ्योरी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये सब जो पोर्शन है वो हमारी पीजीटी के अंतर्गत क्या है दिया हुआ है, जिसमें हमारे लोकतंत्र के बारे में है, हमारी लिबर्टी के बारे में है, इक्वलिटी के बारे में है, ये सब हमारी पीजीटी के अंतर्गत जो सिलेबस है वो सेम दिया गया है। बिहेवियरलिज्म है वो भी दिया हुआ है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म है वो भी है हमारी पीजीटी के अंतर्गत दिया गया है, तो हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। आप सब लोगों को पता है कि क्लासें हैं वो तो क्लासें स्टार्ट हो ही चुकी है, तो आप इसमें किसी भी प्रकार से देरी ना करें, आप विचार विमर्श करें, मेरा अगर पढ़ाने का तरीका कैसा है, मेरे विचार मेरे आइडियाज आप लोगों तक डिलीवर करने का एक तरीका कैसा है, मेरी कैसी आर्ट है आप लोगों तक नॉलेज को डिलीवर करने की, वो आप सब लोग मेरा एक YouTube पे इसी प्लेटफॉर्म पे YouTube पे मैंने एक प्लेटो की डेमो क्लास लगाई थी, आप उस पर जाके आराम से देख सकते हैं। आगे प्यारे विद्यार्थियों आगे है कि हमारे कंपेरेटिव पॉलिटिकल्स एंड पॉलिटिकल्स एनालिसिस है, जिसमें हम देख लेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ ए कंपेरेटिव पॉलिटिकल्स एज ए डिसिप्लिन, नेचर एंड इसका स्कोप, इनका प्राकृतिक रूप से क्या है, इनका क्या स्कोप है, उनके बारे में भी देखेंगे कि हमारे कंपेरेटिव जो पॉलिटिकल्स है उस पॉलिटिकल से रिलेटेड हमें थोड़ा सा डिटेल देखने की आवश्यकता है। अप्रोच टू दी है स्टडी ऑफ अ कंपेरेटिव पॉलिटिकल्स है, जिसमें ट्रेडिशनल
अगर देखा जाता है कि हमारी परंपरागत स्ट्रक्चर या हमारी फंक्शनल या सिस्टम या मार्कशीट है वो देखा जाता है कि उनको भी हम किस प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल रूप से किस प्रकार से है, एक स्ट्रक्चरल रूप से किस प्रकार से है, फंक्शनल रूप से है वो किस प्रकार से है, उनके सिस्टम के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। आपको ये सिलेबस है, ये सिलेबस इंग्लिश में तो है ही है, आपको जल्द इसमें विद ट्रांसलेट आपको क्या है हिंदी में भी आप लोगों तक टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज मैं आज ही प्रोवाइड करवा देता लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमारा जो टाइपिंग है वो टाइपिंग जो भी हमारा स्टाफ है वो थोड़ा सा आज छुट्टी पे थे तो वो नहीं है, वरना मैं आज ही आप लोगों तक टेलीवार में, क्योंकि काफी बार क्या होता है स्टूडेंट के इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज का काफी फर्क पड़ जाता है और उसके बारे में मैं बोलता कुछ हूँ और सुनाई कुछ देता है, और हिंदी लैंग्वेज का अगर बेसिकली रहता है तो आप तो कोई भी लैंग्वेज यूज इसमें कर सकते हो। आगे हमारा देखा जाता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम और हमारी जो लिमिटेशंस है उनके बारे में भी हम देखेंगे कि हमारी जो है क्या है संविधानता है अगर देखा जाता है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है या हमारी लिमिटेशंस है वो क्या क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या है, ये सब आपको है अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। आगे दिया गया है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें है यूनिटरी या जिसमें हमारी फेडरल या पार्लियामेंट्री या हमारी प्रेसिडेंटियल है जिसके अंतर्गत हम देखने का काम करेंगे, हमारे क्या है हमारी गवर्नमेंट के अंतर्गत एक है यूनिटरी जिसमें देखा जाए या फेडरल है वो देखा जाए जिसमें हम संघीय बोला जाता है कि हमारी जो इंडिया में हमारी जो पॉलिटी है उसमें कई एक वर्ड दिया गया है कि संघवाद, और संघवाद से संबंधित हमारी पीजीटी के अंतर्गत, और इस पीजीटी के अंतर्गत क्या है क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या संघवाद है क्या संघीय है या एकात्मक है, ऐसा क्वेश्चन है वो एक पूरा बना हुआ है। जब भी हम इन क्वेश्चन पे डिटेल से आएंगे तो आपको अच्छे से डिटेल से बताया जाएगा। आगे दिया गया है कि ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट में जो हमारी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी देर इंटर रिलेशनशिप है इन कंपेरेटिव या प्रेस्पेक्टिव इनके बारे में भी हम देखेंगे कि हमारी जो कार्यपालिका है इस कार्यपालिका में पीप और प्रिंस ये प्रेसिडेंट पीप और प्राइम मिनिस्टर सीईओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसमें हमारी एजीआई जिसको देखा जाता है जिसमें महाधिवादी महाधिवक्ता ये महान्यायवादी बोलते हैं अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया पी फॉर प्रेसिडेंट पी फॉर प्राइम मिनिस्टर सीओ का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एजीआई का मतलब होता है अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेजिस्लेचर है लेजिस्लेचर में हमारे जिसमें अंतर्गत देखा जाए तो हम सेंट्रल के अंतर्गत भी और हमारे स्टेट के अंतर्गत विधानमंडल तो हमारा होता है स्टेट के अंतर्गत और सेंट्रल में हम देखेंगे हमारी संसद के बारे में पार्लियामेंट के बारे में। जुडिशरी है जुडिशरी के अंतर्गत हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है जिसको अधीनस्थ न्यायालय है वो भी बोला जाता है उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। बाद में है पार्टी सिस्टम एंड प्रेशर ग्रुप है या इलेक्ट्रोल सिस्टम है उनके बारे में, हमारी पार्टियों की है जो पॉलिटिकल पार्टी उनके सिस्टम है उनके बारे में देखेंगे। एक दबाव समूह है जिसको बोला जाता है दबाव समूह, दबाव समूह क्या होता है प्यारे साथियों किसी भी हम बात को मनवाने के लिए एक ग्रुप में किसी के हित के लिए क्या है काम करना। जैसे आपको क्या होता है एक कॉलेज में है आप अगर कॉलेज में है तो अब आप क्या करते हैं कि हमारी कॉलेज में बैठने के लिए टेबल चेयर की व्यवस्था नहीं है, अब आप सब लोग क्या करते हो आंदोलन करते हो और सरकार पे क्या बनाते हो प्रेशर बनाते हो, क्या बनाते हो प्रेशर बनाते हो कि हमारी मांगे क्या है पूरी की जाए। तो आप क्या कर रहे हो एक हित में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और वह क्या सरकार पे क्या बनाया जाता है दबाव बनाया जाता है और उसी को बोला जाता है जो प्रेशर ग्रुप दबाव समूह है उसी को बोला जाता है। इलेक्ट्रोल सिस्टम है हमारे इलेक्ट्रोल सिस्टम है वो क्या क्या है, कई बार आपको पता है कि विपक्ष के द्वारा कई बार आवाज उठाई जाती है इलेक्ट्रोल सिस्टम के बारे में, और हो सकता है कई बार पक्ष में हो कई बार विपक्ष में हो, अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन कई बार अगर हम देखा जाए तो अमेरिका की गवर्नेंस की अगर बातचीत करें तो अमेरिका के गवर्नेंस ने भी यहां तक स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर हम इंडिया की तरफ देखा जाता है तो इंडिया का जो इलेक्ट्रोल जो सिस्टम है वो उस पर सर्च करना उस पर केस स्टडी करने के लिए उससे बड़ी हमारे लिए कोई संस्था हो नहीं सकती, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए जरूरी है। अब दिया गया है ब्यूरोक्रेसी की, हमारी ब्यूरोक्रेसी है जिसमें टाइप एंड रोल है उनकी क्या क्या कितने जो प्रकार हैं वह उनकी क्या क्या है वह भूमिका दी गई है
उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन आते हैं, जैसे जितने भी जो अधिकारी वगैरह होते हैं या हमारी जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। कुछ स्टेट के होते हैं और कुछ होते हैं सेंट्रल के होते हैं, कुछ स्टेट कुछ सेंट्रल। जैसे आईएएस वगैरह होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जो अधिकारी होते हैं उनको आईएएस वगैरह बोलते हैं, और हमारी जो हरियाणा में जो हरियाणा पीसीएस है उसमें जो हमारे जिसमें बोला जाता है कि राज्य प्रशासनिक अधिकारी, राज्य प्रशासनिक अधिकारी, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखा जाता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जिसमें हम राजनीति के अंतर्गत क्या क्या है, इनका क्या है विकास हुआ है, राजनीति के अंतर्गत डेवलप किस प्रकार से है उनके बारे में देखेंगे। ये भी हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत देखना है। पॉलिटिकल कल्चर, जो हमारी राजनीति की जो संस्कृति है, या हमारी पॉलिटिकल जो सोशलाइजेशन या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जो हमारी राजनीतिक जो संचार है, राजनीतिक संचार है, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर साथियों पॉलिटिकल इलाइट्स वह है इलिस्ट जो थ्योरी ऑफ ए डेमोक्रेसी है, हमारे लोकतंत्र के बारे में भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी पॉलिटिकल इलाइट्स है उसमें हम किस प्रकार से लोकतंत्र को देखते हैं, एक थ्योरिकल रूप से है वह देखते हैं। आगे दिया गया है कि पावर अथॉरिटी और है जो हमारी लिट्टीमेसी, जिसमें हमारी माना जाता है कि हमारे भारत में हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें क्या क्या शक्ति है, कौन कौन सी इनको अथॉरिटी दी गई है, या लिगिटीमेसी है वो क्या, उसके अंतर्गत क्या क्या दिए गए हैं, या हमारी पॉलिटिकल के में क्या क्या इसमें इश्यूज दिए गए हैं, इनकी किस प्रकार से हमें देखने की जरूरत है। साथ में है कि रिवोल्यूशन जो हमारी क्रांति है, क्रांति में अगर देखा जाता है थ्योरीज वह है इनके प्रकार, क्रांति है उसमें हमारी जो थ्योरी है और इनकी क्या क्या है प्रकार है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। आगे दिया गया है डिपेंडेंसी व डेवलप एंड अंडर डेवलप, हमारी जो डिपेंडेंसी है इसमें क्या है, एक डेवलपमेंट है जो विकास हो या हमारे अंडर डेवलपमेंट है, इसमें भी हम पॉलिटिकल के अंतर्गत, ये टॉपिक भी हमारे असिस्टेंट के अंतर्गत, असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके अंतर्गत है वह दिया गया है। फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट है जिसमें हमारी पॉलिटिकल अंतर्गत देखा जाता है, तो इंडियन के अंतर्गत हमारी जो पॉलिटिकल है और इंडियन गवर्नमेंट में एंड जो पॉलिटिक्स है इनके बारे में देखा जाए तो नेशनल मोमेंट्स वह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड द मेकिंग ऑफ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पूरा का पूरा हमारा भारतीय जो संविधान है और भारतीय संविधान के लिए तो आपकी जो जड़ी बूटियां हैं, जिस प्रकार से लक्ष्मण के लिए जो संजीवन गुटी का काम किया था वही है, उसी प्रकार से भारतीय संविधान है वह आपके लिए असर करेगा कि हम इंडियन गवर्नमेंट में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे संविधान का पूरा पोर्शन है, संविधान की विशेषता क्या क्या है, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था वो उनके बारे में, प्रस्तावना क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जिसको हम DPSP बोला जाता है वो क्या क्या है, तो उनके बारे में भी थोड़ा है डिटेल से दिया गया है। ये भी हमें थोड़ा सा याद रखने के लिए हमारे लिए क्या है जरूरी है कि हमें कौन कौन से तरीके से इनके बारे में याद रखने के लिए है वो है जरूरी दिया गया है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत DPSP बोला जाता है, संविधान के चौथे भाग में दिया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड है विश्व में, आयरलैंड और भारत में ही दो जगह ही DPSP दिए गए हैं, बाकी में कहीं नहीं दिया गया। ड्यूटीज है उसमें 11 हमारे मूल कर्तव्य है हमारे संविधान के अंतर्गत, अगर देखा जाता है तो 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था, और 11वां मूल कर्तव्य के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा वह माता पिता की जो देखभाल के लिए दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स है इसमें हमारे जो मूल संविधान है उसमें 7 मूल ये मूल कर्तव्य मूल अधिकार थे, वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। बाद में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोईसो, जिसमें हमारे देखा जाता है इकोनॉमिक चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड रिव्यू के बारे में देखेंगे। साथ में है हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, ये सब हमारी एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत है, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ये सब हम देखेंगे, प्रेसिडेंट पी फॉर प्राइम मिनिस्टर सी ओ एम का मतलब
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी हम पार्ट है हमारे संविधान के, टोटल 22 पार्ट है, उनमें से 5 नंबर का जो पार्ट है उसमें हम डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं वह कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, ये भी हम थोड़ा सा याद रखने के लिए जरूरी है। प्यारे साथियों, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा एनर्जी के लिए आपको एक सुनाता हूं कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, जिसको आप चाहते हो उसको पसंद करने के लिए क्या है, एक दिन काफी है, उससे इश्क करने के लिए एक साल काफी है, लेकिन उस एक चेहरे को भूलने के लिए एक जिंदगी ही क्या है, एक जिंदगी क्या है, कम हो जाती है। ये कुमार विश्वास के द्वारा लिखा गया है। तो जिंदगी में अपने जो टारगेट है उसको कभी भूलो मत। आप यहाँ पे जिसको, जिस व्यक्ति को आपके बारे में सोच रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मेरे को यह है कि जिस पे किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, देखने का मतलब होता है कि लक्ष्य, लक्ष्य को सोचने के लिए ही एक पल काफी होता है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल रहता है, जो मेहनत रहती है, वो बहुत सारे है। अब किसी को भूलना, भूलने का क्या है, आपका टारगेट है कि मैं पीजीटी हरियाणा पीसीएस में पीजीटी की एग्जाम दे रहा हूँ, या हम असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे रहा हूँ, कल को अगर आप इसमें मेहनत नहीं करते हैं, वैसे तो आप मेहनत करोगे, सब लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन 1% अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आप इस पल को कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे। ये सब मैंने आप लोगों के लिए, मैं, मेरी एक पर्सनल जो डायरी रहती है, इसमें डायरी के अंतर्गत अक्सर मैं स्टूडेंट को, ऑफलाइन क्लास होती है तब भी मैं सुना देता हूँ कि मैं, मेरे अंदर जो भी विचार, जो भी एक पोएम के अनुसार जो भी चीजें आती है मैं डिलीवर कर देता हूँ, और अक्सर स्टूडेंट के साथ में ही डिलीवर करता हूँ। मेरा फैमिली के साथ में बोलना कम होता है, स्टूडेंट से ज्यादा बोलना ज्यादा होता है, मेरा डेली रूटीन में स्टूडेंट के साथ में मैं ज्यादा जुड़ाव रहता है, तो मैं आप लोगों के साथ में डिलीवर करता रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा। आपको मोटिवेट, अगर आप अचीवर्स एकेडमी के साथ में जुड़ रहे हैं या अचीवर्स एकेडमी के साथ में आप इसमें कोर्सेज जो परचेज कर रहे हैं जिसमें हमारी क्लासेज रहेगी, तो आप उसमें मोटिवेट रहेंगे, डिमोटिवेट नहीं रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। मैंने यूपीएससी की एग्जाम दी है, हमारे अगर देखा जाता है तो स्टेट पीसीएस एग्जाम दी है, जिसमें उत्तर हमारे यूपी हो, हमारा हरियाणा हो या हमारे राजस्थान हो, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए जरूरी है। यूपीपीसीएस एग्जाम आई थी 2020 में, जो एग्जाम है वो एक्सटेंड हो, थोड़ा सा उसमें कोरोना काल के लिए थोड़ा सा गैप हो गया था, और वह 2020 के एंड तक है वह एग्जाम है हो पाई थी। तो आपको थोड़ा सा, आप इसमें इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं, आपको तो पर्टिकुलर हरियाणा पीसीएस में ही याद रखने की जरूरत है, और हो जाए इस बार, क्योंकि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो जल्द से जल्द नई क्या करेगी, नई वैकेंसियां और लाएगी, लेकिन आपको तो असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी है उसमें आपको सिलेक्शन लेके ही हमारे एक, हमारा और आपसे मिलना हो तो वह सिर्फ और सिर्फ एज ए फ्रेंड के रूप में हो या एज ए स्टूडेंट के रूप में हो, बल्कि आप किसी पेड कोर्स में आप पढ़ रहे हो या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस प्रकार से हमारी मुलाकात ना हो। प्यारे साथियों, अगर हम आगे देखें कि स्टेट हमारी पॉलिटी है, उसमें गवर्नर या हमारे चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, ये हमारी राज्य सरकार है या राज्य सरकार के जो टॉपिक आते हैं, स्टेट जो पॉलिसी है, या हम इसको बोल सकते हैं कि स्टेट पॉलिटी, ये आपको इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आगे हमारा जो टॉपिक दिया गया है पंचायती राज, पंचायती राज है वह राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को एक बलवंत राय मेहता समिति थी, कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उस कमेटी बनी थी 1957 को, और उस कमेटी ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी थी 1958 को वह गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी थी, और गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने के बाद में गवर्नमेंट को ऐसा लगा था कि ये पंचायत राज है वह लागू करना चाहिए, तो उन्होंने राजस्थान में सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट का बगदरी गांव है वहां पे क्या कर दी, उन्होंने लागू कर दी सबसे पहले पंचायती राज, और वहां पे लागू करने के बाद में आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। तो ये थोड़ा सा आपको याद है, वो हम थोड़ा सा सिखाएंगे जिसमें हम रूरल और अर्बन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे हमारा है फेडरलिज्म, जिसको हम बात करते हैं कि संघवाद, संघवाद वाला जो टॉपिक है वो हमारी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले साथियों, असिस्टेंट में भी दिया गया है और पीजीटी में भी दिया गया है,
ये पूरा का पूरा टॉपिक जिसमें थ्योरी एंड अप्रेटिस इंडिया डिमांड अथॉरिटी जो है सेपरेटिस या हमारी मोमेंट्स कौन कौन से हैं या अमरेजिंग ट्रेंड या सेंटर स्टेट रिलेशन जिसमें हमारी स्टेट रिलेशन में केंद्र वह राज्यों के बारे में भी है वो हम पढ़ने का कोशिश करेंगे कि इनके बारे में भी थोड़ी सी आपको डिटेल पढ़ाएं। जुडिशरी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है जुडिशियल रिव्यू है जिसमें हमारे न्यायिक पुनरावलोकन हो जुडिशियल एक्टिविटीजम है एक्टिविटीजम हो या इंक्लूडिंग पब्लिक जो पब्लिक इंटरेस्टेड हो जिसमें हम PIL बोला जाता है जनहित याचिका ये भी हम थोड़ा सा देखने के लिए कोशिश करेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सिलेबस ज्यादा नहीं है बल्कि इसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि सिलेबस बहुत कम है, मतलब सिलेबस एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुसार दिया गया है। आपकी सैलरी भी तो है वो लगभग देखा जाता है तो 58,000 है और 58,000 से देखा जाए तो 182,400 है। तो ये जब सैलरी आप ले रहे हैं आप तब आपके लिए गवर्नमेंट के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे क्या क्या दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो राजनीतिक जो दल कौन कौन से हैं प्रेशर ग्रुप के बारे में बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन मीडिया या सबलिटिम या एंड जो प्रेजेंट मोमेंट क्या है हमारे वर्तमान के अगर देखा जाता है जो पिसेंट है ये क्या है पिसेंट है वर्तमान नहीं है बल्कि हमारे जो अगर देखा जाए तो हमारे जो भारत के अंतर्गत जो जितने भी राष्ट्रीय जो आंदोलन हैं उन आंदोलनों के बारे में भी हमें थोड़ा सा देखने के लिए जरूरी रहेगा। इलेक्शन वह इलेक्ट्रल बिहेवियर हमारे क्या है निर्वाचन आयोग की से इलेक्ट्रल बिहेवियर वह इलेक्शन कमीशन ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म है उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा देखना। ये पूरा का पूरा जो है वह इलेक्शन से संबंधित दिया गया है चुनाव से बारे में है। आपको पता है कि वर्तमान समय के अंतर्गत डॉक्टर राजीव कुमार है वो हमारे क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या है हमारे आयुक्त हैं जो मुख्य आयुक्त जिनको बोला जाता है और अभी उन्होंने 18वीं लोकसभा के क्या किया था चुनाव किए थे चुनाव संपन्न किए गए थे ये भी आपको थोड़ा सा याद रखने की है। इसमें बहुत सारे ये इम्पोर्टेंट पार्ट भी है क्योंकि अभी हरियाणा में भी देखा जाता है हरियाणा में भी क्या होते हैं इलेक्शन होने वाले हैं और हमारी सेंट्रल के अंतर्गत केंद्र में भी क्या है अभी इलेक्शन हुए हैं। तो ये टॉपिक है इस टॉपिक से हमारी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन है वो आने की ज्यादा संभावना है। आगे दिया गया है कि हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हमें थोड़ा सा याद रखने के लिए जरूरी है कि कौन कौन से जो पार्ट हैं वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें हम बात करते हैं कि हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको हम बोल सकते हैं कि लोक प्रशासन बोल सकते हैं क्या है? बोलना ही है इसका मतलब ही यही होगा तो यही बोलेंगे जिसमें हमारा डेवलपमेंट हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो हमारी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डिसीजन मेकिंग हो डिसीजन क्या क्या लेना हो या इकोलॉजिकल हो सिस्टम हो डेवलपमेंट हो एडमिनिस्ट्रेशन हो ये एक आपको अच्छे प्रशासक के रूप में एक अच्छा आप प्रशासक है वो कैसे बन सकते हो उनके लिए आपको पढ़ाया जाता है कि आप अच्छा काम कैसे करें आप काम है या कार्य कैसे करें सरकार में आपके लिए पब्लिक है वो कितनी इंपॉर्टेंट है पब्लिक की क्या क्या अप्रोच है ये थोड़ा सा हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। थ्योरी ऑफ है ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे जो संगठन है उनकी क्या क्या है वह थ्योरी दी गई है ये भी थोड़ा सा याद रखने के लिए जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन एंड स्टाफ है यूनिटी ऑफ है कमांड है स्पेन ऑफ है कंट्रोल या सेंट्रलाइजेशन हो जो केंद्रीकरण हो सेंट्रलाइजेशन हमारी केंद्रीकरण हो या डिसेंट्रलाइजेशन हो टाइप हो ऑर्गेनाइजेशन हो या फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो फॉर्म हो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो या डिपार्टमेंट हो पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड है बोर्ड हो इन सब के बारे में है ये हमारे लोक प्रशासन के अंतर्गत जो डिटेल से दिया गया है और इनके बारे में हमारे केंद्रीकरण के ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है इनके स्टाइलिन क्या है स्टाफ क्या है यूनिटी जो है क्या है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम जानेंगे। इनको आप अगर हम बात करें तो सिलेबस बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा तो इनको हम थोड़ा सा शॉर्टली आप लोगों तक समझाने का क्या कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं।
बाद में क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव में टाइप्स, फंक्शन एंड रोल है वो देखा जाता है, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्वायरमेंट्स, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिन, मॉरल या है एम्प्लॉय या एम्प्लॉय रिलेशन, इनके क्या है, एम्प्लॉय के जो रिलेशन है वो क्या क्या है, इनके जो संबंध है उन संबंधों के बारे में देखेंगे कि इनके बारे में कैसा क्या संबंध दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में थो है, इसमें थ्योरीज दी गई है, टाइप दिए गए हैं, रोल दिया गया है, मैक्स वेबर या अगर एंड हिज जो क्रिटिकस या हमारी सिविल सर्वेंट है, जिसमें हम सिविल सेवक बोला जाता है, एक हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत ही आते हैं, या मिनिस्टर रिलेशनशिप आते हैं, मंत्रियों के जो संबंध आते हैं, मंत्री के जो संबंध होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। लीडरशिप इज अ रोल इन अ डिसीजन मेकिंग है हमारी कम्युनिकेशन, एक लीडरशिप के रूप में भी हम बात करेंगे कि इनके क्या क्या रोल है या इनके मेकिंग जो है कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार से है एक संचार के माध्यम से। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जुड़ा हुआ, जिसमें बजट हो, ऑडिट हो, कंट्रोल ओवर है, फाइनेंस हो, वित्त है, हमारी स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड यूके के बारे में दिया गया है, ये हमारी आर्थिक की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो टॉपिक है वह दिए गए हैं। ये टॉपिक आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको आराम से पढ़ाने की आपको कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक बजट वगैरह है वो गवर्नमेंट किस प्रकार से तैयार करती है, फिर वह संसद में वित्त मंत्री के द्वारा कैसे पेश किया जाता है, ये बेसिक आप संसद में जब पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ोगे तब भी आपको देखने को मिलेगा। आगे दिया गया है कि गुड गवर्नेंस, जिसमें हमारी गुड गवर्नेंस के अंतर्गत माना जाता है सुशासन, और सुशासन है वो 25 दिसंबर को प्रति ईयर है वो मनाया जाता है। हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी, और उनका अटल बिहारी का क्या है जन्मदिवस भी आता है, ये भी आपको याद रखने की जरूरी है। ग्रेंस या अगर देखा जाता है रेडरेसल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें ओम्बड्स बोर्ड्स है, लोकपाल है या है लोकायुक्त है, ये ओम्बड्स बोर्ड्स मैन, लोकपाल, लोकायुक्त, ये है स्टेट लेवल पर, लोकायुक्त आता है स्टेट लेवल पर, लोकपाल आता है केंद्र लेवल पर, और ओम्बड्स बोर्ड्स आती है हमारी स्वीडन, स्वीडन एक जो देश है वहां पे ये क्या है भ्रष्टाचार से संबंधित संस्थाएं हैं, क्या है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संस्थाएं हैं, और स्वीडन में ओम्बड्स बोर्ड्स मैन नामक की जो संस्था है वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। हर देश में कोई ना कोई संस्था होती है जिसको भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सके। लोकपाल है या लोकायुक्त है, ये सब भी व्यवस्थाएं दी गई है जो हमारे सेंट्रल हो, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन लोकपाल के अंतर्गत आता है, कौन लोकपाल के दायरे से बाहर आता है। बाद में आईआर का पोर्शन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, अगर आप पढ़ना चाहें तो बीएल पढ़िया की जो बुक है वो आती है, बेस्ट और बेस्ट आपको बीएल पढ़िया, ये आपको हमारे पास में, अगर आप मेरे साथ में अनिल सर के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, अचीवर्स एकेडमी के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, तो आपको कोई भी किसी भी बुक के पैसे खर्च नहीं करने हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को सर पैसे खर्च करना ही है, तो प्लीज आप उन पैसों को बचा के रखो, अभी हमें टेसरीज भी परचेज करनी है, टेसरीज भी है वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर हम देखा जाता है तो हमारे आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन है, जिसमें अगर हम देखा जाता है तो हमारे लिए जो सिस्टम है वह है देखने की गेम्स क्या है, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग या हमारी अप्रोचेज क्या क्या है, अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की किस प्रकार से क्या अप्रोचिंग है या कंटेंडिंग द थ्योरीज है वो क्या क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। आप सबको पता ही है आईआर का नाम लेते हुए ये अब भारतीय की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातचीत है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन की बातचीत है, उसको भी हमें थोड़ा से देखने की जरूरत है। आगे है कि इनके पावर, इनके इंटरेस्ट, आइडियोलॉजी या इंटरनेशनल रिलेशन, एलिमेंट्स ऑफ अ पावर, इक्विटेशंस या हमारी यूज द लिमिटेशंस ऑफ अ पावर, प्रस्पेक्टेशन, फॉर्मुलेशन या है प्रमोशन, नेशनल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट या है मीनिंग, रोल या रिवलेंस जो है ऑफ आइडियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सब है हमारी आईआर के पोर्शन दिए गए हैं, और इनको ये ज्यादातर जो पोर्शन है वो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत दिए गए हैं। ये आपको देखने को याद रखने के लिए जरूरी है कि हमें किस प्रकार से देखने के लिए चीजें जरूरी है। बाद में है हमारे आर्म वह वार्स के लिए जरूरी है कि हमारा
युद्ध वह है, हम हथियार की बात करें, कौन कौन से देश के बारे में, जिसमें नेचर्स में या हमारी बात करें कैसे टाइप ऑफ वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट है जिनके बारे में हम बात करते हैं कि युद्ध हो या विद्रोह हो, इंक्लूडिंग जो है एथनिक या डिस्प्यूट्स, जिसमें क्या क्या है, इन कौन कौन से देशों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि रूस व यूक्रेन है, इनके बीच में क्या क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। या अगर हम बात करें कि हमारी कन्वेंशनल न्यूक्लियर है, जिसमें हमारी बायोकेमिकल वॉर्स हैं, बायोकेमिकल वॉर्स में अगर देखा जाए तो हमारी जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा बायोकेमिकल्स है, वो अब हमारे समय के अनुसार अलग अलग केमिकल्स की है, वो संभावना है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आगे दिया गया है कि आर्म जो रेस है, आर्म कंट्रोल है, या एंड जो हमारे डिस आर्मसमेंट है उनके बारे में भी हमें देखने को मिलेगा कि हमें इनको किस प्रकार से देखने के लिए जरूरी है। मेन मुख्य है कि हथियारों से संबंधित भी हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और हमारी जो आईआर का जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाता है। इनके जो नोट्स हैं वो आप लोगों के लिए रिवीजन करेंगे 4 से 5 बार, और 4 से 5 बार रिवीजन करने के बारे में एक भी टॉपिक है वो मेरे साथियों छूटेगा नहीं, ये थोड़ा सा हमें याद रखने के लिए जरूरी है। सिलेबस थोड़ा सा लेंथी तो है। आगे देखा जाता है कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ है डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, या हमारे डिप्लोमेसी वर्ल्ड ऑर्डर एंड पीस जो पीसेज स्टडी है उनके बारे में कि हमारी पीसफुल एक शांतिपूर्ण तरीके से जो सेटलमेंट ऑफ है डिस्प्यूट्स है उनके कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन है उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। कोल्ड वार है जिसको हम बोलते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वार है, अलायंस नॉन एंड जो एलिगेंटमेंट या एंड कोल्ड वार है, या ग्लोबलाइजेशन है, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक अलग अलग प्रकार से हमारी जो शीत युद्ध है, ये पोर्शन हमारी पीजीटी के अंतर्गत और हमारी असिस्टेंट के अंतर्गत दोनों के अंतर्गत सेम पोर्शन है, अपने ये दोनों में एक बार ही पढ़ने हैं। आगे दिया गया है राइट एंड ड्यूटीज है स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हमारी इंटरवेंशन ट्रेटी लॉ या प्रिवेंशन एंड एबोलिशन ऑफ ए वॉर, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमारी क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या हमारी ड्यूटी है, हमारे क्या क्या अधिकार हैं और इनके हमारे वह क्या 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 है कर्तव्य है, क्या क्या हमारी ड्यूटी है, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी में इंटरनेशनल रिलेशन में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नॉर्थ साउथ डायलॉग वह साउथ और साउथ कोऑपरेशन WTO या हमारी न्यू कॉलोनिज्म एंड हमारे डिपेंडेंसी, इनके बारे में भी थोड़े से पढ़ेंगे। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। रीजनल वह सब रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, जैसे स्पेशली देखा जाता है सार्क देखा जाता है, सार्क है, एशियन है, ओपेक ओस है, इन सब के बारे में ये जो संगठन है इनके बारे में देखेंगे। ये संगठन हमारी पीजीटी के अंतर्गत भी दिया गया है और हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत भी दिया गया है। यूनाइटेड नेशन है जिसमें अगर देखा जाए तो है एम्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर इवोल्यूशन ऑफ द वर्किंग एंड वर्किंग ऑफ है यूएन है, उनके बारे में दिया गया है। पीस एंड डेवलपमेंट है प्रस्पेक्टिव चार्ट रिव्यूजन पावर स्ट्रगल डिप्लोमेसी या विथ इन यूएन फाइनेंसिंग एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से दिया गया है। इनके बारे में भी हम पूरा का पूरा पोर्शन है ये एक यूनाइटेड नेशन से संबंधित दिया गया है और ये हम एक साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशन है उसमें किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर और रिवोल्यूशन और वर्किंग में यूएन के बारे में दिया गया है, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। अब इंडिया का रोल है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारी इंडिया का हमारा जो भारत देश है, भारत एक ऐसा है शांति प्रिय देश है, एक पीसफुल जो देश है इंडिया मानी जाती है, तो इंडिया का रोल है वो इंटरनेशनल में इंटरनेशनल अफेयर्स है वो क्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे अफेयर्स क्या क्या हैं, इंडिया रिलेशन विद है नेबरहुड जो हमारे पड़ोसी देश हैं भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है, या हमारे नेपाल के बीच में क्या है, या हमारे अलग जो चाइना के बीच में क्या है वॉर्स है उनके बारे में, सिक्योरिटी कॉन्सर्न या इनके फैक्ट या मिलिट्री रोल्स या डिस्ट्रिक्टाइजिंग या फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन
पॉलिसी या है डिप्लोमेसी। अब जिसको हम बोला जाता है कि IFP इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति का अगर हम जनक की बात करें या इनके फादर की बात करें तो हमें इंडिया वाले हम क्या मानते हैं कि हमारे लिए नेहरू सब कुछ है, हम नेहरू को ज्यादा है प्रायोरिटी देने का काम करते हैं और नेहरू के बारे में भी हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानते हैं। अभी भारत में हमारे प्रधानमंत्री PM है मोदी हो, और अगर हम बात करें कि हमारी जो चाइना है, अब चाइना के बीच में है हमारे किस प्रकार के रिलेशन है, किस प्रकार के संबंध है, इनके बारे में भी बात करेंगे। जो PGT का जो पोर्शन है उसमें जैसे चाइना वह भारत का रिलेशन है वह दिया गया है, तो आपको याद रखने के लिए बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है। बेशक मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम बात करें हमारी हरियाणा PCS में, एक तो हो गई आपकी PGT, एक हो गई हमारी हरियाणा PCS में असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इन दोनों में, इन दोनों का अगर हम कंबाइंड देखें हमारे पॉलिटिकल सब्जेक्ट, और ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अगर कोई, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स परचेज कर लिया है, अगर आपने कोर्स ले लिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपका PGT है, वो PGT वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपके उसमें कोर्स में क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और हम इस सेशन के बाद में एक नया सेशन और लेके आते हैं कि हमारी पॉलिटिकल की कितनी क्या वैकेंसी है, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चनों को देखना है, वो थोड़ा सा मैं अलग से लेके आता हूं। तो अब के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और मैं दोबारा से हर बार जो बोलता हूं वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा याद रखने के लिए जरूरी है कि तर्कस में जितने तीर है तू चला कर देख ले, एक बार नहीं हजार बार आजमा कर देख ले, जिंदगी की हर बाजी हम जीत जाएंगे कि शतरंज के हर खेल में, हर खेल में हर या हर खाने में वजीर सजा के देख ले, शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले। जय हिंद प्यारे साथियों, धन्यवाद आप सब लोग हैं, इससे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और इस सिलेबस की आपको जरा सी भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अचीवर्स एकेडमी अनिल सर आप लोगों के साथ में है, इस सिलेबस की नैया पार लगाने में अनिल सर का आप लोगों के साथ में भरपूर योगदान रहेगा। आप एकदम विश्वास के साथ में, आप इस अचीवर्स एकेडमी के साथ में जो हमेशा से जो प्यार और जो स्नेह आपने बनाए रखा है उसको हम कायम रखने के लिए दिन रात जी तोड़कर मेहनत करेंगे। इतने साथ में जय हिंद जय हिंद जय भारत।